के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु धक्केशाही से सच को छुपाना किसी भी बिंदु पर ठीक नहीं है। किसान अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार उनकी बातों को सुन रही है, परंतु किसानों के सामने कृषि बिलों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। राजनेता जनता के बीच में जागरूकता के लिए या विकास कार्यों के लिए जाते हैं तो उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की जाती है। ये लोकतंत्र नहीं, इसका सीधा विरोध करना होगा। बता दें कि सांसद शुक्रवार को SPS वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 जनवरी को कैमला में होने वाली किसान महापंचायत के लिए दलित मजदूर वर्ग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र द्वारा आयोजित की गई थी। इस बैठक में सैकड़ों मजदूर युवाओं ने भाग लिया। सांसद ने कहा कि किसानों के नाम पर कुछ लोग धक्का मस्ती कर रहे हैं, राजनेताओं द्वारा विकास के लिए काम किए जा रहे हैं, परंतु किसानों के नाम पर लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये लोकतंत्र की हार है। जब वे कृषि बिलों के बारे में समझाने के लिए जाते हैं तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता, केवल विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 जनवरी को कैमला में विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, वहीं कृषि बिलों के बारे में किसानों से संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी समर्थक किसानों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने उपस्थित युवाओं से कहा कि यह धर्म व अधर्म की लड़ाई है, आप इसमें धर्म का साथ दें। केंद्र व हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। इसके लिए नियम व कानून बनाए गए हैं। जब इन्हें लागू करने की बात होती है तो कुछ राजनैतिक लोग बिना जानकारी के इसका विरोध करते हैं, जो कि गलत है। प्रशासन ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटेगा। इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने सांसद व उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र हित में सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी उनके किए हुए कार्य से खुश हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसान हितैषी है। किसानों को किसी के बहकावे में ना आकर इन बिलों के बारे में गहनता से जानकारी लेनी चाहिए। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतीश राणा, केश कला कौशल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर, मंडला अध्यक्ष जसपाल वर्मा, निर्मल बहल, रमन अग्रवाल सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। सर, किसान कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो किसानों की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं। उनका अपना ये वर्जन हो सकता है, वो अपना जो जिस चीज को समझते हैं वो अपनी बात रखते हैं और हम भी अपनी बात रखते हैं। निर्णय समाज करेगा, वक्त करेगा। और बिल्कुल सही सुभाष जी ने भी कही कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का हित सोच सकते हैं। ऐसा मुझे भी अगर परमात्मा भी आगे नीचे कहे तो भी मैं ना मानूँ। वो व्यक्ति इतने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनका, इतने अच्छे इंसान है, पूरी दुनिया ने उनको सर्वश्रेष्ठ नेता माना है। ये अभी पीछे आपने सर्वे भी देखा। किसान कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे सर, कल मुख्यमंत्री आपको भी उनको समझाना चाहिए मीडिया के माध्यम से। आप अपनी बात रख रहे हैं, अगर लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरा पक्ष भी आपको सुनने का धैर्य होना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसानों ने सर यह तक भी बोला है कि कैमला गांव में वहां पे बीजेपी के नेता या कोई भी नेता उनका बहिष्कार करेंगे आने के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कोई बात नहीं, वो उनका अधिकार है, वो मत आए उस कार्यक्रम में। जो हमारे हमारे को सुनना चाहते हैं, हमारा पक्ष सुनना चाहते हैं, वो लोग जरूर आएंगे उस कार्यक्रम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.